नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन के लक्षण क्या होते हैं, डिप्रेशन से संबंधित अवधारणाएं क्या फैली हुई हैं और डिप्रेशन कैसे ठीक किया जा सकता है। तो हम शुरुआत करते हैं डिप्रेशन के मतलब से। डिप्रेशन, जिसका मतलब है अवसाद, एक मानसिक रोग है जिसका इलाज करवाना पड़ता है। जैसे कि शारीरिक रोग होने पर या शारीरिक परेशानी होने पर हम डॉक्टर से अपना चेकअप करवाते हैं और दवाइयों के द्वारा अपनी बीमारी ठीक करते हैं, उसी प्रकार मानसिक रोग होने पर इसका इलाज करवाना पड़ता है, जिसके लिए दवाइयाँ और काउंसलिंग दोनों अहम भूमिका अदा करते हैं। अब हम बात करते हैं डिप्रेशन के लक्षणों के बारे में। तो सबसे पहला लक्षण होता है हमेशा उदास रहना या दुखी रहना। डिप्रेशन में इंसान हमेशा दुखी रहता है या परेशान रहता है या फिर उदास रहता है। साथ ही साथ यदि कुछ गलत हो जाए तो वह उस गलती का जिम्मेवार अपने आप को मानने लग जाता है। ग्लानी की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, गिल्ट की फीलिंग बहुत हाई होती है। ऐसे में किसी काम में मन नहीं लगता है, किसी भी काम में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, रुचि बिल्कुल ख़त्म हो जाती है कोई भी काम करने में। इंसान शारीरिक रूप से भी अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लग जाता है, शारीरिक कमज़ोरी का सामना करने लग जाता है। एकाग्रता यानी कि कॉन्सेंट्रेट करने में परेशानी आने लग जाती है, कॉन्सेंट्रेशन कहीं ना कहीं बहुत पुअर हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि भूख में बदलाव आ जाता है, जैसे कि आमतौर पर भूख कम हो जाती है। जिन लोगों को डिप्रेशन की परेशानी होती है वे कहीं ना कहीं उनकी भूख बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि भूख बढ़ जाती है, यानी कि भूख जो आम तौर पर भूख लगती है उसे कहीं ज़्यादा भूख लगने लग जाती है। ऐसे में इंसान डिप्रेशन के साथ साथ ओबेसिटी यानी मोटापे का भी रोगी बन जाता है। नींद में दिक्कत आना भी डिप्रेशन का एक लक्षण है। ऐसे में कई बार नींद बहुत कम हो जाती है, जैसे कि रात को बेड पर जैसे ही लेटे 2-3-4 घंटे नींद ही नहीं आ रही, या फिर समय पर नींद आ गई और सुबह बहुत जल्दी रोज़ाना नींद खुलने लग गई। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि डिप्रेशन के रोगी को नींद ज़्यादा आने लग जाती है, बहुत ज़्यादा। वह हमेशा कहीं ना कहीं सुस्त महसूस करने लग जाता है और हमेशा नींद आने लग जाती है। और सबसे खतरनाक लक्षण होता है अपने आप को नुकसान पहुंचाने के विचार मन में आना। ऐसे में इंसान सोचता है कि मेरे होने से क्या फ़र्क पड़ता है, अगर मैं नहीं हूँगा तो कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, मेरा अस्तित्व इस दुनिया में कोई फ़र्क नहीं डालता। ऐसे में आत्महत्या के विचार मन में ज़्यादा आने लग जाते हैं। अगर ये लक्षण 2 हफ्ते से ज़्यादा रहते हैं तो यह कहीं ना कहीं डिप्रेशन की एक बीमारी है जिसका इंसान सामना कर रहा है और जिसका इलाज ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कुछ अवधारणाओं के बारे में जो कि समाज में फैली हुई हैं डिप्रेशन को लेकर। सबसे पहली अवधारणा यह है कि डिप्रेशन केवल उन्हें ही होता है जिनके पास पैसा या नाम होता है। तो इसका जवाब है जी नहीं, डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है और किसी भी उम्र में हो सकता है। दूसरी अवधारणा, डिप्रेशन जिन्हें होता है वे अक्सर परेशान दिखते हैं। जी नहीं, ज़रूरी नहीं है कि जिन लोगों को डिप्रेशन हो वो परेशान दिखे। ज़्यादातर लोग जिन्हें डिप्रेशन होता है वे चेहरे पे एक फेक स्माइल मेंटेन रखते हैं, यानी कि एक झूठी हंसी हमेशा उनके चेहरे पर होती है, जो कि वे दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि सब कुछ उनके साथ ठीक है। तीसरी अवधारणा, डिप्रेशन अपने आप ठीक हो जाता है। जी नहीं, डिप्रेशन अपने आप नहीं ठीक होता, यह एक मानसिक रोग है, इसका इलाज करवाना पड़ता है। जैसे कि शारीरिक बीमारी होने पर हम उसका इलाज करवाते हैं, उसी प्रकार मानसिक बीमारी होने पर भी उसका इलाज करवाया जाता है। दवाइयाँ डॉक्टर के द्वारा, साइकेट्रिस्ट के द्वारा दी जाती हैं, काउंसलिंग सेशंस होते हैं और साथ ही साथ ही परिवार और दोस्तों के साथ की भी बेहद ज़रूरत पड़ती है। चौथा, डिप्रेशन उन्हीं लोगों को होता है जो मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं। जी नहीं, डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। आप मेंटली वीक हैं या मेंटली स्ट्रांग हैं, इससे डिप्रेशन का कोई संबंध नहीं है। पांचवी अवधारणा, डिप्रेशन तभी होता है जब ज़िंदगी में कुछ खराब होता है। तो इसका जवाब है जी नहीं, अप्रिय घटना होने पर भी डिप्रेशन हो सकता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, बल्कि ज़िंदगी पहले से बेहतर चल रही है, तब भी इंसान डिप्रेशन की परेशानी का सामना कर सकता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमेशा दूसरों के साथ प्यार और इज्जत से बात करें। बहुत बार लोगों की हंसी के पीछे उनके ढेरों दुख, ढेरों निराशाएं छुपी होती हैं, इसलिए औरों की भावनाओं का कद्र करें। याद रखिए, कौन किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा है यह पता चल पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन यदि आपको लगता है कि कोई परेशान है तो थोड़ी देर उसके पास बैठ कर उसकी बात ज़रूर सुनें। आपका थोड़ा सा समय किसी को राहत दे सकता है, किसी को ज़िंदगी जीने की आशा से भर सकता है। जाते जाते यह ज़रूर कहूँगी कि परिवार का साथ कभी ना छोड़ें।
अपने परिजनों के साथ अपनी खुशियां और अपने दुख दोनों बांटें। बेझिझक होकर अपनी परेशानियां अपने परिजनों को बताएं। जिंदगी में यदि कुछ गलत हो रहा है या कुछ गलत होने की आशंका है तो उसकी जानकारी परिवार को जरूर दें। यदि आप परिवार से दूर रहते हैं तो रोज वीडियो चैटिंग के द्वारा उनसे बात जरूर करें। कम से कम 3 महीने में एक बार आकर परिवार से जरूर मिलें। याद रखिएगा, परिवार से बड़ा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।